अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। जी फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कटोरा चाट। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनती है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आटा प्रिपेयर करूँगी कटोरा चाट के लिए। यहाँ मैं 2 कप मैदा लूँगी, 1/4 teaspoon कुटा हुआ ज़ीरा डालूँगी सफ़ेद, 1/2 teaspoon नमक ऐड करूँगी, 1/4 cup ऑयल डालूँगी इसमें। बस हमें नॉर्मल आटा ही गूंदना है, रोटी की आटे की तरह। अब हम हरी चटनी तैयार करेंगे, जिसका लिंक मेरी वीडियो में मौजूद है। अब हम कटोरा चाट के लिए यहाँ खजूर की चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 4 अदद खजूर ली है और मैं इसके बीज अलग कर दूंगी। खजूर मैंने यहाँ पे सॉफ्ट वाली ली है, आपने भी सॉफ्ट वाली लेनी है ताकि इसकी चटनी आसानी से बन सके। पानी यहाँ मैंने 1/2 cup रख दिया था जो बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें खजूर ऐड कर दूँगी। स्लो आंच पे मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि खजूर अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने हल्की आँच पर खजूर को 5 मिनट के लिए पकने दिया है, बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। इमली का पल्प में इसमें 3 टेबल स्पून ऐड करूंगी। वन टीस्पून के करीब मैं यहाँ मिक्स मसाला ऐड करूंगी, जिसमें साबुत धनिया, साबुत गोल लाल मिर्च और सफ़ेद जीरे को मैं भून के पीसती हूँ। ये मसाला वो हम इसमें ऐड करेंगे और 1 पिंच मैं इसमें अजवाइन ऐड करूंगी। और हसबे जायका हम इसमें नमक ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1/2 teaspoon से भी कम डाला है। अब मैं इसे फ्लेम ऑफ करके इसे ब्लेंड कर लूंगी। हमारी खट्टी मिट्टी कटोरा चाट की चटनी रेडी है। जी फ्रेंड्स, अब मैं कटोरा रेडी करूंगी, जिसके लिए मैं रोटी को बेलूंगी। मैंने इतने साइज की पूरी बनाई है, आपके पास जो कटोरा हो उस हिसाब से आप पूरी बना सकते हैं। पूरी फूले ना, इसलिए मैंने इसे फोक से थोड़ा सा प्रेस कर लिया है। अंदर से भी फ्राई हो जाएगी, तेल इसका बिल्कुल अंदर आ चुका है। कटोरा हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम प्रिपरेशन करेंगे कटोरी के, तो इसके लिए मैंने चने बॉईल कर लिए थे, उसमें थोड़ा सा नमक डाला था। अब मसालों में मैं 1/2 टेबल स्पून से भी कम नमक ऐड करूंगी। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना हुआ मसाला ऐड करेंगे। खजूर की चटनी डालेंगे, दही का रायता,
धनिया पुदीने की चटनी। लास्ट में मैं इसमें दही भी ऐड करूंगी। जी फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कटोरा चाट, मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। रमज़ान मुबारक है तो मज़े मज़े के चटपटे खाने तो बनते ही हैं। हमने सोचा आज हम कटोरा चाट बना लें और शेयर भी कर लें, तो इसीलिए मैंने आपसे ये रेसिपी शेयर की है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से। अब मिलूंगी मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।